एवरीवन वेलकम बैक टू द लेमैन वे तो चलिए आज के एमसी क्यूज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड तो हमारा भी लेक्चर आ चुका है इससे पहले है ना आई होप वो लेक्चर देख लिया होगा आपने तो चलिए आज के एम सी क्यूज डिस्कस करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं किससे रिलेटेड है तो आज का पहला क्वेश्चन है अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्कीम राइट तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इट इज एन इको टूरिज्म मॉडल एंडेवरिंग टू प्रोवाइड द टूरिस्ट बीच गोवर्स क्लीन एंड हाइजीनिक बेथिंग वाटर फैसिलिटीज अ सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है ना तो हमने देखा था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किन बीचेस को मिलता है जिनमें ये क्वालिटीज होती हैं है ना तो पहला ऑप्शन सही है दूसरा क्या है इट इज़ अवार बाय फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ऑफ डेनमार्क विच इज़ अ बॉडी ऑफ डेनमार्क है ना <coughs> ये भी सही है एफ ई प्रोवाइड करता है इसको तीसरा क्या है रिसेंटली कोवलम uh, बीच जो है और एडन बीच जो है इनको सर्टिफिकेशन दिया गया है टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सच बीचेस इन द कंट्री टू टेन ये भी सही है फोर्थ क्या है ऑन द लाइन्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च इट्स ओन इको लेबल बीम्स बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज ये भी सही है तो आंसर क्या हो जाएगा डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव है ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रेजाई लेग सिंड्रोम तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजिज अ रेंज ऑफ डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग लर्निंग डिसबिलिटीज एंड कॉग्नेटिव एम्पेयरमेंट तो दिस इज करेक्ट है ना हमने देखा था कॉग्नेटिव एम्पेयरमेंट होती है मेमोरी लॉस होता है इसमें है ना और आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी जजमेंट कैपेबिलिटी ये सब अफेक्ट होती है ना मेल्स आर मोर सिवियरली अफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैन फीमेल्स ये भी हमने देखा था कि मेल्स को ज़्यादा प्रेवलेंट है मेल्स में ही ज़्यादा प्रेवलेंट है तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है इट कैन बी क्योर थ्रू अ रेगुलर थेरेपी सेशंस तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि हमने देखा था इट इज़ नॉन क्योरेबल अभी तक इसका क्योर नहीं आया है ना ये क्योर नहीं हो सकती अभी तक इसका क्योर नहीं आया है ना इसमें सिर्फ़ हम थेरेपी सेशनस देखे बेसिकली हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं बट हम इस डिसीज सिम को क्योर नहीं कर सकते ठीक है तो थर्ड इज रॉन्ग तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो आंसर क्या हो गया वन एंड टू आंसर इज बी आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटल ट्रिंकिंग लैब ए टी एल स्पेस चैलेंज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो पहले के ऑप्शन क्या बोल रहा है इट इज़ लॉन्च बाई नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलेबोरेशन विद इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सी बी एस ई तो दिस इज राइट देखा था हमने नीति आयोग इसरो और सी बी एस ई का ज्वाइंट uh, इनिशिएटिव है दूसरे क्या बोल रहा है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सिक्स टू टेल्व कैन इनोवेट एंड सॉल्व डिजिटल एज स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स तो ये भी सही है स्पेस सेक्टर में इनोवेशन लाने के लिए और यू नो यंग यूथ को बढ़ावा देने के लिए ये था है ना और स्पेशली सिक्स टू ट्वेल्व को क्लासेस को टारगेट किया गया तीसरा क्या बोल रहा है ओनली ए टी एल स्कूल्स कैन पार्टिसिपेट इन द चैलेंज तो ये तो गलत है हमने देखा था नॉन ए टी एल भी कर सकता है और वैसे भी इसमें ऑनली आ गया है है ना तो अगर आपको नहीं भी मालूम है तो जनरल इन ये रहना चाहिए कि ये गलत है है ना थर्ड गलत हो गया तो वन एंड टू हो गया ऑप्शन आंसर इज़ बी है ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग मैं बताता रहता हूँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग बट हमेशा रॉन्ग नहीं होते ठीक है एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली रॉन्ग होते हैं तो ये ध्यान रख के करना कभी भी मान लो नहीं आ रहा है तो उसमें ऐसे एक्सट्रीम ओनली ऑलवेज़ ये वाले स्टेटमेंट्स जनरली रॉन्ग होते हैं है ना हमेशा नहीं बोल रहा हूँ बट जनरली रॉन्ग होते हैं हवाना सिंड्रोम is रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इन the context ऑफ US intelligence इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल एफेक्ट्स कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है हवाना सिंड्रोम लेट्स सी पहला क्या बोल रहा है मेंटल हेल्थ दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीसरा हार्ट और चौथा लंग्स तो हमने देखा था दिस इज़ अ मेंटल हेल्थ सिंड्रोम है ना इसमें बेसिकली माइक्रोवेव जो रेडियशंस होते हैं उन उनको इम्पैक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी पे जिससे जो, जो, जो ब्रेन सेल्स हैं वो डैमेज होने के चांसेज रहते हैं जिस वजह से ये सिंड्रोम आ सकता है, है ना तो आंसर हो गया ए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसिड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइफ आई टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड लाइट फिडेलिटी है ना लाइट फिडेलिटी पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट्स डेटा विद अ लाइट बीम स्पेक्ट्रम थ्रू ओपन स्पेस इन आउटडोर एंड इंडोर इन्वायरमेंट्स तो ये सही है लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट उन्होंने देखा था यही है लाइफ टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ फास्टर देन वाईफाई ये भी सही है ना क्योंकि वाईफाई में हमको केबल्स बिछाने पड़ते हैं लाइट में लाइट से ज़्यादा की लाइट से ज़्यादा तो कुछ ट्रैवल करता नहीं है स्पीड तो डेटा मतलब ऑब्वियसली आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई लाइट से ज़्यादा कुछ चीज़ ट्रैवल करती है या नहीं करती है ना लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है तो डेटा की स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो है ना तो इसीलिए टू भी सही हो जाता है आंसर क्या हो गया सी बोथ वन एंड टू उसके बाद बात करते हैं नासास वाइपर मिशन के बारे में नासास वाइपर मिशन इज़ एम डैट पहला ऑप्शन क्या बोला लैंडिंग द फर्स्ट वुमेन एंड मैन ऑन द मून तो ये तो गलत है <coughs> ये कौन सा मिशन है आर्टेमिस मिशन है है ना दूसरा क्या बोला है कलेक्टिंग लूनर सैंपल्स एंड रिटर्निंग देम टू अर्थ फॉर साइंटिफिक स्टडी ये भी गलत है ये कौन सा मिशन है चैंगी चैंगी ई है ना ये उसका ऑब्जेक्टिव है चौथा क्या है एक्सप्लोरिंग द मार्शन सरफेस फॉर साइंस ऑफ माइक्रोबियल लाइफ ये है क्या ये भी नहीं है ये नासा के और मिशन हैं परसिवेरेंस मिशन है है ना इनसाइट्स मिशन की हमने बात करी थी वो सारे मार्स के मिशन हैं इनसाइट्स मिशन में मार्स के अंदर डीप हम पता लगाएंगे परसिवेरेंस में वो रोवर भेजा है ना और इन जेनवेटी हेलीकॉप्टर जो फ्लाइट कराएगा उसमें वो वहाँ पर ऑक्सीजन भी बनाएगा और माइक्रोवेल लाइफ को भी देखेगा है ना ये सब है उसका ऑब्जेक्टिव तो तीसरा भी गलत है चौथा सही हो गया चौथा ही बचता है मैपिंग रिसोर्सेज ऑन द मून साउथ पोल रीजन तो हमने देखा था वहाँ पे बेसिकली वो मैप करेगा कहाँ कहाँ पे पानी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि जो

हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है एलॉन्ग विद एनिमल हस्बेंड्री वाले है ना दूसरा क्या है दिस एक्शन प्लान वॉज इंट्रोड्यूस एज अ रोड मैप टू एलिमिनेट रेबीज बाई टू थाउजेंड थर्टी तो ये भी सही है तीसरा ऑप्शन क्या है द प्लान वुड इन्वॉल्व सस्टेंड मास डॉग वैक्सीनेशन एंड अप्रोप्रिएट पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट तो जनरली ये डॉग मीडिएटेड रेबीज से के एलिमिनेशन से डील कर रहा है तो वैक्सीनेशन तो हम देंगे है ना तो ये भी सही है आंसर क्या हो गया डी हो गया ऑल ऑफ द अबव ठीक है So, these were today's MCQs. I hope you liked it and if you did, please like, share, subscribe to our channel and recommend these lectures to your friends and more aspirants so that you know, <coughs> if you like the video, YouTube also knows that this video is important to all of you and uh, this is relevant to you all. So, uh, this would help us reach more audience. So, thank you so much. I'll see you in the next lecture. Until then, you can log on to www.thelaymanway.com for more such courses. We have a lot of free courses. Uh, running on uh, our website, so you can go on that and do a systematic preparation. So, thank you so much, guys. I'll see you in the next lecture. Until then, bye bye, and a very good night to all of you. Thank you so much.